आप नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत इस्तकबाल मेरे सबरंग आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रूटीन के मुताबिक मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक बार एक नए रोग के उपचार के लिए। और दोस्तों, आज जो ये मेरा विषय रहेगा वो रहेगा हमारे पेशाब की जलन, जो गुर्दे की पथरी की वजह से भी हो सकता है या हाइड्रोनेफ्राइसिस यानी गुर्दे की सूजन की वजह से भी हो सकता है, या हमारे डाइजेशन सिस्टम डिसऑर्डर होने की वजह से भी कभी कभी हमें पेशाब में जलन हो जाती है। दोस्तों, बाय द वे किसी प्रकार अगर आपको पेशाब में दिक्कत है, यूरिन ट्रबल आपको रहती है, तो इसमें ये बिल्कुल बेहतर तरीके से काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो सिरप है ये आपके गुर्दे की पथरी, पेशाब की नली में सूजन और दर्द होना और गुर्दे की दुखन, उसके साथ में पेशाब बूंद बूंद होना या पेशाब कम आना या चुभन होना या पथरी का दर्द, किसी प्रकार से अगर आपके पेशाब में दिक्कत आई है तो इसको बहुत जल्दी ठीक करेगा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हमारे पेशाब आने की समस्या जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाने की वजह से भी होती है, ये उसमें ही बेहतर काम करता था। तो दोस्तों, इसका नाम है बर्बरी फोर और ये PHL कंपनी का आता है और बहुत ही सस्ता सर्वसुलभ 110 रुपये की MRP है, जो उन दोस्तों के लिए बेहद कामगार है कि जिनको पेशाब बूंद बूंद आता है, पेशाब जलन से आता है और जिनके गुर्दे में दुखन रहती है या जिन्हें मूत्र पथरी जिसे हम वीरन कैलकुलस भी बोलते हैं वो है, तो ये उसको भी रिमूव कर देगा। दोस्तों, मेरे लगभग हर रोग पर वीडियो आते रहते हैं, आप मेरे यूट्यूब के वीडियो कॉलम में जाकर उसको आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले ही मैंने पथरी का एक इलाज बता दिया है, जो ये आप मेरा थंबनेल देख रहे हैं जबा खार से किस प्रकार गुर्दे की पथरी को बिल्कुल निकालें, इसे भी देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, जो भाई मेरा ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वह मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में दिया गया बेल आइकॉन के आल वाले भाग पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी वीडियो की हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और दोस्तों इसको आप शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हो सकता है आपके शेयर करने से कोई भाई इस रोग से पीड़ित है तो बहुत जल्द वो इससे फ़ायदा उठाकर आपको दुआ दे दें। और ये तो हम सभी जानते हैं कि आज के ज़माने में हमें दुआ की बहुत ज़रूरत है।